हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मितुस किचन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त आइसक्रीम रेसिपी जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर हम एक यूनिक फ्लेवर बनाएंगे जो कि अभी तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, लेकिन बड़े बड़े पार्लर्स पे ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और बहुत मुश्किल से मिलता है और सभी का फेवरेट होता है। और इसकी खास बात है कि कोई केमिकल हमने यहाँ यूज़ नहीं किया है, नो GMS, नो CMC, ओनली होम इन्ग्रीडियंट के साथ ही ये रेसिपी बनी है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, तो नेचुरल बेस होममेड आइसक्रीम के लिए इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसका टेक्सचर तो आप देख ही सकते हो, बहुत क्रीमी है, बिल्कुल परफेक्ट है, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है आइसक्रीम। और इसमें कोई मार्केट वाला एसेंस नहीं है, कोई फूड कलर नहीं है। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी कैरेमल चॉकलेट कुकी आइसक्रीम है ना यूनिक फ्लेवर, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले एक ऐसा बेस बनाएंगे जो कि आपको बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर 2 कप दूध लेना है आपको और ये बॉइल्ड मिल्क है यानी उबला हुआ दूध है। और इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी डाल दी है, तो थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था। अब इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छे से घोल लिया और फिर सारे दूध में मिला दिया। अब इस मिक्सर को हमें गैस पर अच्छे से कुक करना है, तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो दूध है वो कच्चा है तो आप पहले उसे उबालें और उसके बाद उसमें शुगर और कॉर्नफ्लोर ऐड करें। लेकिन अगर आपका दूध पहले से उबला हुआ है तो जैसे मैंने इस दूध में शुरू में ही चीनी और कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, वैसे ही आप भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी आइसक्रीम को बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देगा और काफ़ी टेस्ट भी बढ़ जाता है, तो मिल्क पाउडर आप ज़रूर डालें। 10 रुपये वाला एक पैक यूज़ करें, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया, अब इसे ठंडा कर लेते हैं। तो हमने गैस बंद कर ली और इसे कम से कम 10-15 मिनट रख कर ठंडा कर लिया। अब एक बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर एक छन्नी रख लेते हैं और इस छन्नी में हम इस सारे मिक्स को डालकर छानेंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसे स्किप मत करिएगा। इससे जो आपका मिक्स बनेगा ना उसमें कोई भी लम्स नहीं होंगे और बहुत ही क्रीमी और स्मूथ होगा, तो उससे आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर मैंने ली है 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम, तो ये व्हिप क्रीम को मैंने व्हिप करके रख लिया था और ये 1/2 कप ली थी मैंने और फिर उसके बाद व्हिप करके यहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये व्हिप क्रीम नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। 1/2 कप अमूल फ्रेश क्रीम को भी इसी तरीके से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दें। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ फ्रेश क्रीम या फिर अमूल क्रीम का यूज़ करें। और अगर आपके पास इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन नहीं है तो घर पर कैसे दूध से क्रीम बनाते हैं ये रेसिपी मैंने शेयर की है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद यहाँ मैंने लिया है कैरमल स्ट्रॉबेरी क्रश, जिसकी रेसिपी मैंने अभी ही आपके साथ शेयर की थी, तो इसका जो लिंक है वो मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी और फिर आई बटन में भी दे दूँगी, तो आप दोनों जगह से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने लिए हैं कुकीज़, तो ये यूनिबिक की कुकीज़ हैं जो कि बहुत सारे चॉकलेट के साथ फिल होती हैं, तो मैंने 2 कुकीज़ को इस तरीके से हल्का सा क्रश कर लिया है और ये क्रश की हुई कुकीज़ को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, है ना यूनिक फ्लेवर, बहुत मज़ा आने वाला है इस आइसक्रीम को खाने में। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बनेगी। नॉर्मल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो आप खाना भूल ही जाएंगे इस आइसक्रीम को खाने के बाद। तो लीजिए फटाफट से, हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है, इसमें सारे मिक्स को फिल कर लिया और उसके बाद जो बचा हुआ हमारा क्रश था ना उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल दिया और फिर उसके बाद एक फॉग लेके इस तरीके से मिक्स कर लिया। और यहाँ पर देखिए थोड़ा चोको चिप्स भी डाल देते हैं, और चोको चिप्स नहीं है तो फिर आप यहाँ पर बिस्किट को भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के डाल सकते हैं ऊपर से, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब इसे हम क्लिंग रैप से अच्छे से रैप कर लेंगे ताकि कोई भी आइस क्रिस्टल ऊपर से ना जमे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल भी ऊपर से कवर कर सकते हैं और बस इसे ढक्कन लगा कर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। रात भर मैंने इसे सेट कर लिया और आप देखिए निकाल कर देखते हैं, वाओ क्या टेक्स्चर आया, बहुत ही क्रीमी, बहुत टेस्टी, ना कोई GMS, ना कोई CMC और ना ही कोई निकाल
निकाल कर देखते हैं कोई ऐसा क्या टेक्सचर आया। घर पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इतनी टेस्टी आइसक्रीम आप भी बना सकते हैं, और ना ही कोई फूड कलर, ना ही कोई ऐसा, ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनी है कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप रख देंगे ना आइसक्रीम आप भी बना सकते हैं, दीवाना हो जाएगा। अब ऊपर से हम थोड़ा सा बटर स्कॉच का क्रश डाल देते हैं और इसे गार्निश कर लेते हैं। तो बटर स्कॉच क्रश कैसे बनाते हैं ये भी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जरूर देखिएगा इसकी भी रेसिपी। और थोड़ा सा चोको चिप, तो लीजिए हमारी होममेड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैरमल आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना।